आदरणीय हमारे भाई फौजी भैया, भगवान शंकर की गीत अपनी तरफ से देने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान शंकर अनन्य भक्त हैं, वो स्वयं राधा बने हैं, स्वयं मुरली बने हैं, इसलिए प्यारा संगीत आप लोगों की सेवा में देने जा रहा हूँ। और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रोग्राम भी हम लोगों के बहुत ऐसे इंटीरियर क्षेत्र में लगे हुए हैं कि जहाँ पे कोरोना का पहुंचना, पुलिस का पहुंचना नामुमकिन है, ऐसे ही क्षेत्र में प्रोग्राम हो पा रहे हैं, क्योंकि रोड पे तो हो ही नहीं सकते हमारे क्षेत्र में। ये तो आप लोगों की धन की छाती है, धन की छाती है आप लोगों की कि मैन रोड पे आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये कन्हैया लाल का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा प्यारा संगीत आप लोगों से। अरे तेरे बिन सावन सावन कैसे पीता, तेरे बिन सावन कैसे पीता, तू क्या जाने बाल मा, तेरे बिन सावन कैसे पीता, तू क्या जाने बाल मा। गीत आप लोगों की सेवा में रख रहा हूं, पहले मैटर समझिए मैं कहने क्या जा रहा हूं। प्रभिया राजपाल भाई एक समय कैलाश शिखर पर बैठे ओगड़ ध्यानी, उन्हीं के साथ में बैठी हुई थी पार्वती महारानी, मिला प्रभु का साथ प्रेम से करती दोनों बातें, मिला प्रभु का साथ प्रेम से करते दोनों बातें, हरि चर्चा में बीत रहे थे सब दिन और सब रातें, नजर पड़ी शिव जी के शीर्ष पे पद्मिनी माँ की तौन, शिव के शीर्ष पे देखा माता पार्वती ने और कहा मेरे घर में सौतन बन के बैठी है तू कौन। माता पार्वती ने जो ही देखा गंगा मैया को तो आरोप लगा दिया, तू मेरे घर में सौतन बन के क्या कर रही है। तो माता गंगा कहने लगी कि कारण पति के और कहा माता मेरी इसमें गलती नहीं है। हेलो हेलो क्या हुआ, कोई कहां गए, बंद हो गया कैसा। हेलो 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 चेक, बस बढ़िया। माता पार्वती कहने लगी है गंगा मेरी बात सुन जरा, अरे कारण पति के धर्म चाहे सौ पयाने न दूंगी मगर कोई सौ हुआ जा रहा
स्वामी के सिर पे चढ़ी कैसे सो एक बात मेरी गौर से सुन ले गंगा, मैं जो पार्वती हूं भगवान शिव की अर्धांगिनी हूं, अर्धांगिनी हूं मैं जन्म जन्म की, और शिव जी हमारे बाल मां। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ, बाल मां के बालों में, बाल मां के बालों में करे बाल क्रिया, अरे तेरे कहा गए बाल बालमा के बालों में करे बाल क्रीड़ा, तेरे कहा गए बालमा। एक बात और सुन, बालमा के कारण तन, बालमा के कारण तन बार बार छूटे पछूटे न मोरे बालमा। अर्धांगिनी हूं जन्म जन्म की, शिवजी हमारे बालमा, बालमा के बालों में बाल बाल घूमे तेरे कहां गए बालमा, और बालमा के कारण तन बार बार छूटे लेकिन छूटे ना मेरे बालमा। कहने लगी माता भगवती, सुनी जब ये सवाल कर दिया माता गंगा से माता पार्वती ने, तो माता भवानी को हाथ जोड़ के जवाब देती हैं माता गंगा कि माता आप हमसे नाराज मत होइए, लेकिन मैं कौन हूं आपकी, सुनिएगा। मुझे देख हिम्मत या तो बिल्कुल माइक में चिपक के बोले तो आवाज आती है, दूर से बोल ही नहीं पाते हैं, थोड़ा दूर की डिस्टेंसिंग बना दीजिए। बहुत अच्छा माइक बोल रहा, सामने के साउंड केवल बोलने लगे और तो सब बढ़िया आ रही आवाज। बड़े भैया सामने की साउंड कम से कम, अब वापसी तो आ जाए, या पीछे की कहीं से भी वापसी दे दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए साउंड। माता गंगा ये बात कहने लगी, माता भगवती का जवाब दे रही कि मैं तुम्हारे बालमा के बालों में क्यों घूम रही हूँ, कारण सुनिएगा माँ। क्या मुझे देख मत काहे तुम्हारा, सौतन नहीं मैं बहन हूँ तुम्हारी, सौतन लीला से इनकी भोले बाबा की दुनिया है हारी, अरे तू भी है हारी मैं भी हूँ हारी, दैविक भौतिक तापा इन सबको हर लेते हैं भोले बाबा, इसलिए
बाल माँ के बालों में, बाल माँ के बालों में पाल पाल घूमी। आखिर में क्यों रह रही हूँ? बाल माँ के बालों में बाल बाल घूमी, उलझ गई किसी बाल माँ, बाल माँ के बालों में बाल बाल घूमी, उलझ गई बाल माँ के बालों में। अंतिम बात सुनिएगा, बाल माँ के बालों में बाल बाल घूमी, लेकिन जाने किस जटा के बाल में उलझ गई हूँ, उलझ गई किसी बाल माँ। अंतिम बात देखिए माता गंगा क्या कह रही हैं। हे भवानी मैया, हे भोले बाबा, हम लोगों पे कृपा कीजिए। सुत धरे ध्यान सृष्टि ये सारी की सारा, तो सुत को प्रथम पूजे सारी संसार, तुम्हें हर विपदा भक्तों की सारी, दास लाल चंद्र की, दास लाल चंद्र की खबर क्यों बिसारी, दास लाल खबर क्यों बिसारी। निवेदन कर रही हूँ माता, माता भवानी और भोले बाबा, हृदय में हमारे सहित बाल माँ के, अपने छोटे बच्चे के सहित आप भी पधारो बाल माँ, सत मार्ग पर हम ये चलते रहेंगे, सत्य मार्ग पर हम अरे चलते रहेंगे, तो आए ना कोई बवाल माँ, सत्य मार्ग पर निवेदन है ऐसे भक्तों के बीच में कभी बवाल ना आए, और यदि आए आ जाए संकट अगर सामने से, अरे आ जाए संकट अगर सामने से, तो होवे न पाता बाल माँ, भोले बाबा की कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है कि हर जन्माष्टमी को हम लोग छुट्टी लेते हैं, 20 साल से प्रोग्राम भैया करा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं माता रानी से कि आप 24 घंटे आतंकवादियों के सामने राइफल लेके फिरते हैं, भोले बाबा आपके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे, ये मेरे दिल का विश्वास है। इस कीर्तन मंच से इस बात को मैं ऐलान के साथ कह रहा हूं, सुनिएगा। आ जाए संकट अगर सामने से, तो होवे न पाता बाल माँ, अगर सामने से होवे न पाता बाल माँ, बाल माँ के कारण तन
ठीक है ठीक है ओके 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 एक भोजपुरी वालों ने एक धुन निकाली थी कौन से के धीरे धारी ये पिया मिलन वाली आज नहीं रात बड़ा भैया सुनील भैया सुनील भैया थोड़ी फ्लैट में दो लाइनें सुन लीजिए आप हम आप कभी एक होटल में जाते हैं बड़े भैया हल्कू भैया जब हम आप कभी होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि कभी कांच के गिलास में चाय मिलती है किसी होटल में मिट्टी के कप में चाय मिलती है दो लोग मिट्टी के कप और कांच के गिलास में अंतर क्या है ये हमारे देश की संस्कृति बताती है सुनेगा गिलास से पूछा ये बता मैं एक बार में दिन भर में 100 लोगों को चाय पिला देता हूं क्या तू 10 लोगों को चाय नहीं पिला सकता जब मिट्टी के गिलास से ये बात कही गई तो देखिए इस बात को उसने उदाहरण कितने अच्छी तरीके से दिया सुनिएगा ये हमारे देश की और विदेश की दोनों संस्कृतियां आपके सामने दे रहा हूं सुनिएगा हमारे देश की नारी और विदेश की नारी में कितना बड़ा अंतर है ये सुनिए जिसे माना है पिया स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए तो विदेश में एक महिला ने कहा कि हे स्वामी विवेकानंद जी मैं आपके द्वारा एक पुत्र चाहती हूँ स्वामी विवेकानंद जी ने हाथ जोड़ के कहा तुम चिंता मत कर हो सकता है मेरे द्वारा पुत्र ना हो पुत्री हो जाए इसलिए मैं ही तेरा पुत्र हूँ उनके पैर छुए और माता बना लिया वह मेरे देश के संत जिसको किसी प्रकार की किसी भी माया का कोई असर नहीं हुआ तो सुनिएगा विदेशी नारी और अपने देश की नारी में कितना बड़ा अंतर है जिस प्रकार से कांच की प्याली और मिट्टी की प्याली में अंतर होता है सुनिएगा जिसे माना है पिया दिल उसी को दिया जो प्याली मिट्टी का भी प्रेम घुट जाती है जो प्याली मिट्टी का प्रेम रस घुट जाती है जब प्रेम रस का घूट एक बार पी जाती है दूजे होठों के पहले है मतलब एक बार पतिवरण करती है दोबारा पतिवरण नहीं करती है ये भारत देश की संस्कृति है और विदेश वो संस्कृति है कि विदेश में तो हो सकता है शादी के पहले ही बच्चे हो जाएं इसलिए निवेदन कर रहा हूं मेरे देश की संस्कृति को मैं प्रणाम कर रहा हूं एक प्याली जो प्याली मिट्टी का प्रेम पी घूट जाती है तुझे हो तो के पहले टूट जाती है
हो दो।